अच्छा है लाइट भी नहीं है इधर दिखा रहा कैमरा उस तरफ है नहीं भाई मैंने तोड़ा शीशा घर का एड्रेस पता है बाल पाड़ लो पैसे निकलवा लो ये सो गाइस वेलकम बैक टू द व्लॉग। तो भाई आज मैं लेट उठा हूँ, आज मैं जिम भी नहीं गया क्योंकि भाई कल हम घूम फिर रहे थे यार दोस्त सारे, तो फिर मैं रात के 3 बजे घर आया था, तो इस वजह से मैं लेट उठा, लेट सब कुछ हुआ। तो फिर अभी मेरे को अनस के घर पे भी जाना है और एक दोस्त का भी काम हैगा वहाँ पर जाना है, तो इसलिए फिर मैंने कहा अभी जिम में स्टार्ट करता हूँ लोग, क्योंकि भाई सुबह मैं जिम जाता कुछ करता तो होता कुछ, तो फिर अभी मैं सीधा नहा के धो के उठ के खाना पीना खा के मैंने कहा अब व्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो भाई अभी जस जा ही रहा हूँ, मैं अनस के पास जा रहा था, तो काफ़ी टाइम हो गया अनस से भी नहीं मिले, तो अनस भी कह रहा था आज हम मिलते आएंगे और कुछ काम भी है अपना करते हैं काम ख़त्म, तो मैंने कहा चलो ठीक है अपना निकलते हैं अनस के पास और पहले एक दोस्त के पास चलते हैं, उसके बाद अनस के पास चलते हैं, ठीक है तो चलो चलते हैं। तो मैं निकल गया पठान के घर के लिए, मैं गाड़ी ले से जा रहा हूँ क्योंकि भाई क्या सीन हो गया था, क्योंकि धूप सी निकल रही थी और मैं अपनी गाड़ी लेकर जा रहा था, तो मेरा भाई कह रहा मेरे को बहुत ज़रूरी काम है भाई तो गाड़ी छोड़ जा अपनी, तो मैंने कहा यार मेरे को जाना है अनस के घर पे, कह रहा अनस के घर बाद में चला जाऊँ मेरे को बहुत ज़रूरी काम है, तो मैंने कहा चल ठीक है कोई नहीं। फिर मैंने अपने दोस्त को फ़ोन करा, मैंने उसकी गाड़ी मांगी, मैंने कहा यार दिखा दे बहुत धूप हो रही है मेरे से अनस के घर नहीं जाया जा रहा, तो उसने कहा ले जा मेरी गाड़ी ले जा फ्री खड़ी हुई है, तो अब उसकी गाड़ी जिसे आया हूँ मैं, तो अनस के घर पहुँचते हैं, ले चलते हैं अनस से और बाकी आगे का सीन दिखाता हूँ आपको क्या होता है क्या नहीं, तो चलो वहीं मिलता है क्योंकि भाई मैं ऐसे ड्राइविंग करते करते वीडियो तो बना नहीं पाऊँगा, तो निकलते हैं अपना ठीक है तो चलो फिर। ये देखो ये पुल है ना, पुल ये पुल जो बन रहा है अनस के घर के यहाँ से, ये सीधा गुड़गांव पे जाएगा शायद और वहाँ पे से मुंबई के लिए रास्ता बन रहा है ये, ठीक है ये देखो ये वाला पुल जा रहा है सीधा नजफगढ़ से वहाँ के लिए जा रहा है, हमारा फायदा नहीं है यहाँ से पुल से सीधा मुंबई जाने का, क्योंकि आसान तो हो गया रास्ता पर कैसे जाए, क्योंकि कोई बुला ही नहीं रहा मुंबई में कि मूवी वूवी मिली है आ जाओ यार तुम, तुम्हारे लिए 1-2 करोड़ रुपए की मूवी है साइन कर रखी है, तो कैसे जाएंगे यार मुंबई मुंबई का सीन हमारा बन ही नहीं रहा, मेरा तो कुछ बुलाओ यार किसी को बोलो यार बुलाओ, तभी तो घूमने फिरने के लिए मुंबई जाएंगे, नहीं तो ऐसे तो मतलब ही नहीं बन रहा घूमने का, कुछ हो ही नहीं रहा। आ गए आगे अब अनस के घर पर पहुँचने वाले हैं, रास्ते में बस ये रोड हो रहेगा और अनस के घर पर पहुँच गए, अभी अनस का ही कॉल आया कह रहा कहाँ पे आएगा, मगर बस भाई पहुँच ही गया एक लगा ले, तो चलते हैं मिलते हैं अनस के घर पे और मिलते हैं उससे भी ठीक है ना। ऐसे में ही अलग सा ही घर बना दिया, आसपास कुछ भी नहीं है अलग सा ही सही, पहले हम यहाँ से आया करते थे यही रास्ता ब्लॉक कर दे घर ही बना दिया, वाह हमारा रास्ता छूट गया आने का, पर क्या हो गया बंद हो गई क्या, अच्छा बंद ही होगी नहीं चालू है पेट्रोल है ना, ये रही अनस की गाड़ी। तो भाई आ गया अनस के घर पे भाई, हेलो बड़ी हेलो, अब दिखा ना लाइट सब दिखा, अच्छा ये लाइट बड़े टाइम बाद मिले हैं वहाँ पर, गर्मी इतनी है जाना ही नहीं है, हाँ गर्मी बहुत है भाई आग बरस रही है, टेम्परेचर कब आज 2 दिन पहले, अभी तो मौसम ठीक हो रहा है, बीच में 48 अभी बीच में धूप ही आ रही थी नहीं बीच में आ गई थी धूप वहाँ पे पाल में, हमारे यहाँ तो आ गई थी तो भाई अभी बैठे हैं अपना का देखते हैं ठीक है कुछ काम करके यहाँ से निकलते हैं अपना, जिस काम के लिए मैं आया था वो हो गया मेरा, ये पठान ने टोपी दिया था वो खा रहा हूँ मैं, तो अपना घर निकलते हैं ठीक है और घर पर मिलता हूँ फिर आपको, चलो बैठी मैं चप्पल खाऊंगी हाँ चलो। अबे भाई यार ये देखना भाई ये धूप की वजह अच्छी भली का, अबे धूप की वजह से टूटेगा क्या, किसने फोड़ा है ये, अगर अंदर की तरफ कौन तोड़ेगा ये, पक्का धूप की वजह से टूटा है नहीं, अबे ऐसे कैसे धूप की वजह से टूट सकता है यार, अरे साहब मेरी गाड़ी का टूटा था मुझे पता है कौन है, कौन है, है एक शराबी यहाँ का बंदा, उसे लड़ नहीं सकते हो तुम, वो 3-4 बार जेल तिहाड़ से अभी छूट के आए हो जस्ट, अबे यार ये फालतू का यार ये टूटा नहीं है फिर ये मतलब धूप से टूटा भाई, एक बात तो सुन कॉमन सेंस वाली बात है, तुम इस तरफ करके कौन तोड़ेगा इधर, तो एक बात तो बता अंदर देख चूरा चूरा हो रखा है, कैसे शीशा फोड़ के तो करेगा यार भाई, कुछ होता चोरी भी तो नहीं हुआ, कुछ चोरी तो वैसे कुछ है ही नहीं गाड़ी में, मुझे लग रहा है धूप की वजह से टूटा,
धूप की वजह से क्या? अबे गैस बन जाती है भाई, मेरे घर की बोतल पिघल गई, गाड़ी में रखी थी, तुझे दिखा दी ना जैसे दुबई। कैमरे को उम्र भी नहीं है इधर की साइड, कैमरा उस तरफ है पर यहाँ कवर नहीं कर। अबे यार ये और नुकसान हो गया यार फालतू का। अबे श्रीकांत की थी, एक जुआ इसी चक्कर में लेकर आया था कि यार दिक्कत रहा हूँ। 110% धूप से टूटा मेरे हिसाब से। अबे तो थोड़े बहुत बाहर भी तो छींटे आते, इसे तो अंदर घुस गए। ये तो भाई मुझे जहाँ तक लग रहा है ना, अब वो क्या करूँ यार, कहीं वो कहीं सजाएगा कि भाई की गाड़ी लेकर गया है और ये क्या करके ले आया भाई। और कुछ तो देख, अगर होता तो भाई सिर्फ तोड़ के क्यों ही जाएगा। और इस तरफ का खास कर, उस तरफ का होता मैं मान जाता कि भाई किसी ने तोड़ा है, जाते आते ईंट वीट मार। क्या पता भाई यहाँ से झाड़ियों में से करके दिन दयाड़े तुम वहाँ थोड़ी हो, तुम से गए हो, मिर्जापुर थोड़ी चल रहा है भाइयों के लग जाएगा यार, क्या करूँ भाई। श्रीकांत भाई धूप से टूटता शीशा, सच में धूप से टूटा है। अब एक बात तुमको मेरी फट रही है, अब एक कॉमन सी बात सोच, अगर कोई तोड़ेगा तो ऐसे गली के अंदर बढ़ के शीशा तोड़ेगा, उस तरफ का तोड़ेगा, कैसे भी तोड़ सकता। दिन दिहाड़े तो तोड़ देगा किसी का शीशा, चलती रोड है, देखा अभी तेरे सामने कितने लोग आ जा रहे हैं। भाई श्रीकांत धूप से टूटा है 110%, वही तोड़ूंगा उसको। अब कितने का डलेगा ये, क्या हिसाब किताब होता है इसका? 2000 के अंदर डल जाएगा, कंपनी से मत डलवाइयो। बताओ यार, दो साल तू में गाड़ी लेकर आया, 2000 की चपत लगी। अबे धूप से टूटा है भाई, मेरा बात में धूप से टूटा है। अगर बाहर का कहीं टूटता ना, मैं मान जाता कि भाई किसी ने तोड़ा है, पर ये धूप से टूटा। मैं भी अपने अपनी गाड़ी का ना वो खोल के रखता हूँ गाड़ी में, इसके चक्कर में शिट यार, फालतू में नुकसान हो गया। ये देखो चोरी तो वैसे कुछ है नहीं गाड़ी में, चोरी का ही होएगा। क्या हुआ? आगे शीशा है भाई, प्रेशर से टूटा है पक्का। आगे की सीट पे भी हुआ, प्रेशर से टूटा है, हीट बन गई इसमें और उससे ये चटक गया। शट यार, दिक्कत हो गई अब तो, ये महंगा पड़ गया आना। तू भी देगा पैसे कहीं हो भाई, धूप से टूटा है, मेरे को मैं नहीं जानता भाई। देख ले भाई श्रीकांत, तेरे को वीडियो दिखा दूंगा बकायदा, ये क्या हो गया मेरे को भी नहीं पता, बिना बात के शीशा फूट गया भाई, देखो ना। अरे कुत्ता उत्ता दांत तो मारेगा नहीं, कुत्ते ने छुरी का दांत मार दिया है ना भाई, क्यों भाई घूरे, काट ले इसकी टांग बाहर का आदमी। श्रीकांत बात सुन, मैंने थोड़ा बाल पाल ले। फिर से बोलिए श्रीकांत भाई, मैंने थोड़ा शीशा, घर का एड्रेस पता है, बाल पाल लो, पैसे निकलवा लो। तेरा तो नहीं पड़ेगा, गाड़ी तो मैं लेकर आया हूँ, वो मेरे पीछे पड़ेगा। चल यार, दिखाता हूँ अपने दोस्त को, दिखाता हूँ, वो ही देखेगा कैसे क्या होता है। नहीं मेरा भी तो दोस्त है ना, रेट पता कर ले, फिर रेट श्रीकांत को बता दियो, श्रीकांत पे बहुत पैसा है, वो लगवा लेगा। वो कहेगा तू ही लगवा, तू तेरे वजह से टूटा है। चल भाई चलता हूँ मैं, है फिर चल ठीक है, अगली बार स्कूटी से आना, वो या तो मैं अपनी गाड़ी से ही आ जाऊंगा, स्कूटी से ही आना। यार फालतू में भारी नुकसान हो गया यार, ये देखो शीशा फूट रहा था, ये भी तोड़ देता, इससे खुलता है ये, हाँ ये देखो, हाँ आप पता लगा ऐसे खुलता है ये, हाँ ये शीशा खोलने की कोशिश करता, मगर रहने दे और रहने दे भाई, चल इसका भी नुकसान करवाएगा, मेरे सर हो जाएगा वो, शीशा भी तोड़ दिया, ये भी तोड़ दिया, गाड़ी छीन लेता हूँ, श्रीकांत फिर इधर आएगा और कह दे मेरे से निकलवा ले और बाल पाड़ ले मेरा। श्रीकांत भाई आई एम सॉरी, देखो मुझे पता है बदमाश आदमी हो, मेरी सारी बातें काल्पनिक थी, ये देखो कान पकड़ लिया हमने, ओके बाय। चलो यार घर चलते हैं, चलो भाई निकलता हूँ घर, अब दोस्त के पास जाता हूँ, शीशा जुड़वाता हूँ और देखते हैं भाई क्या सीन होता है। फालतू में नुकसान हो गया बिना बात का, पूरा देखना काच काच हो गया। चलो घर निकलता हूँ फिर मैं, है ये लो भैया, ऐसा ही बिना बात का नुकसान झेल रहा हूँ ये मैं, अभी एक दोस्त ठीक कर रहा है, ये कह रहा है ऐसे तो टूट नहीं सकता धूप वगैरह से, क्योंकि धूप भी अभी थी बीच में आई थी, बट अब बारिश का मौसम हो रहा है, कुछ कह नहीं सकते, तो ये कह रहा भाई अब या तो किसी ने तोड़ा है ये, या तो धूप से तो ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि इतने टाइम तक गाड़ियाँ बाहर खड़ी रहती है, उनका तो फूटता नहीं है, अब पता नहीं क्या सीन है, तो कर रहा है ये ठीक, बाकी देखो
क्या सीन है क्या नहीं। शीशा भी लेकर आया, नया ही लगा रहा है। तो इसके बाद शीशा रखा हुआ था, मैंने कॉल करके पूछा था, मैं कहा भाई ऐसा ऐसा सीन हो गया, अब फोटा है क्या है मेरे को कुछ नहीं पता, पर जैसे मैंने इसके वैसे दोस्त के घर से बाहर निकला तो जो फूटा पड़ा था, तो इसने कहा दिखा दियो, पर शीशा मेरे पास है मैं लगा दूंगा। मैं कहा चल ठीक है। तो अभी रास्ते से आ रहा था जब मैंने बात करी थी, अब देखो लगा रहा है ये शीशा, ये मुड़ा हुआ ये होता अंदर से ऐसे मुड़ा ये होता है ये, हाँ, लाइनिंग होती है। अच्छा ये शीशा तो लग गया, वैसे पता तो नहीं लग रहा, फिर दोस्त का भी फ़ोन आया था श्रीकांत का, वो कह रहा था ये रहा शीशा तो लग गया, तो वो कह रहा था कि कब तक आएगा। मैंने कहा ऐसे ऐसे सीन हो गया था भाई, मेरे को नहीं पता क्या हुआ था, शीशा फूट गया तो मैं ठीक कराने आ गया था। कह रहा कहाँ पे है, तो मैंने बताया मैं अपने दोस्त के यहीं पर हूँ, आ रहा है उसको आने दो, फिर उसको देखते हैं कैसे कि बोल क्या होगा बोलता है। ठीक है लो भाई देख लो गाड़ी, एक मिनट वही तो पठान के घर पे खड़ी थी, पठान तो कह रहा है कि उससे धूप से फटा ही है, ऐसा पड़ सकता है पड़ रही है भाई ना जबगढ़ में, तो यहाँ नहीं टूट रहा वहाँ से सही टूट गया। अब मेरे को लग रहा है किसी ने फोड़ा ही है, फिर पठान बीच में कह रहा था मैंने फोड़ा था पाल पाड़ ले, यूँ करके कह रहा मर्सिडीज फूट गई अगली बार। अब तो उसने बेच दी मर्सिडीज पोलो है उसके पास, कैसे फूटा बता दो। अरे भाई पता नहीं बाहर खड़ी थी, मैं तो आके देखा फूटा पड़ा, अब मैं पठान को कह रहा हूँ किसी ने फोड़ा ही है, पठान कह रहा नहीं धूप से फूटा ही है, अगली बार हवा से ना फूट जाए कभी। फिर मैं इस पे दे दूं लगवा दिया, तो फिर मैंने कहा यार लगवाए दे तो फिर क्या इसको कहाँ खड़ी करेगा। ठीक है कोई बस ये वॉशिंग करवा दे साफ करवा देते हैं, हाँ इसको ये वरना किसी और के भी लगेगा कोई बैठा है ना, इसकी वैक्यूम करवा देते चल। तो कुछ नहीं फोड़ा ना भाई, और कुछ नहीं फोटा बस हवा से, वो उससे तो नहीं फूटा और कुछ धूप से पठान बोल रहा था भाई, धूप धाम से फूट रहा है, मैंने तो फिर क्या ही बोलूँ कुछ नहीं फूटा, वैसे तो वो शीशा ही था, पता नहीं क्या हो गया किसी ने, मेरे को लग रहा है उसके वहाँ पे फोड़ा ही है तोड़ दिया होगा किसी गंजेड़ी ने। चला आज के करते हैं, चलते हैं थोड़ी देर में। मैं घर आ गया, नहावा भी लिया हूँ मैं और कपड़े वपड़े चेंज किए, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी सी चिपचिप सी हो रही थी, इसलिए मैं नहा लिया। और भाई क्या यार फालतू वो पड़ गया मेरे पे, खर्चा पड़ गया बिना बात का, मेरी गलती भी नहीं थी, बस खड़ी करी थी, दोस्त कह रहा ज़्यादा कुछ बोला नहीं, उसने कहा चल कोई बात नहीं हो गया होगा कोई नहीं, अब क्या ही कर सकते हैं, अब लग गया नया शीशा थोड़ा, अब क्या कर सकते हैं। फिर उसके बाद हम शीशे के जो होते हैं वैक्यूम से निकलवाए, तो निकलवाने के बाद अब हार थक के मैं घर पे आऊँ, पूरा दिन लग गया इसी में, बस मेरे को पठान के घर जाना था और एक दो काम और थे वो अपने वो करने थे, वहीं जाकर ही ऐसा काम हो गया, जो मेरा एक ही काम भी नहीं हुआ, बस पठान के घर से मिल कर आया हूँ उससे, बस और ये हो गया। तो अब चलते हैं भाई, अब कहीं जाना तो है नहीं और घर पे ही हूँ, अब खाऊँगा पीऊँगा अब सोऊँगा ही, क्योंकि थकावट सी हो रही है अजीब सी, पता नहीं क्या थक थक सी बॉडी हो रही है, तो अब सोता हूँ। तो आज का बस इतना ही दिन था, कुछ काम हो नहीं पाया मेरा, एक दो काम भी और थे वो भी थे वो हो नहीं पाए इस चक्कर में आज के दिन के उससे। तो मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट व्लॉग में किसी में, जब दिखाता हूँ आपको बाकी। तो चलो बाय, लव यू, टेक केयर, बाय, गुड नाइट। अभी 8 बज रहे हैं, तो अब खाना खा के मैं सोऊंगा भाई, ठीक है, तो बाय बाय।